हाल चाल आ गए न्यू ब्लॉग दे नाल वेलकम टू द ब्लॉग। तो यार अज दा ब्लॉग अपना कंपैरिजन आ ओल्ड बुलेट ते न्यू बुलेट दे विच। एक बार तुसी लुक चेक करो पहला, इहने दोने 2000 मॉडल आ ते 2023 आ। यही ब्लॉग विच इहनां दा कंपैरिजन होऊगा पूरा, तो थानू पूरा क्लीयर हो जाऊगा भी किहड़ा सही आ किहड़ा नहीं, बाकी की इहनां दे मेन डिफरेंस आ। एक मैं होर चीज़ कराई सी, मैं थानू दसना सीगा इह वी तुसी ध्यान रखियो, इत्थे ना सीट दे नीचे और या टेप कराई आ, देखो थोड़ी थोड़ी दिखदी होणी आ, क्योंकि इतने तो ना रंग रंग तार दी है। मैं पहले ही करा दी सी ये, जिदा इन्हों की बहुत हार्ड आँगी पहला तो तुम आह ध्यान रखियो भी इतने पहले ही करा लियो अपनी, तो भी उ रंग नहीं तारूगी। आ चेक करो, यही कराया होर तो एक उड़े नीले बल्ब जो तो मैं पहला पवा लेते बट मैं दिखाए नहीं तो ये ना नीले बल्ब जो इदा आने एक 5D वाला आता एक 4D वाला आता। 5D वाला वधिया रहिंदा क्योंकि वह ज़्यादा ना इतों तो मतलब बल्द का पता नहीं लगता बट लाइट ज़्यादा दिखती है वो 5D वाले ही पायो जो तुम पाँना आते तो देसी कंपनी का ही है बट तुम पवायो वाले 30-40 रुपए का वो एक बल्ब तो दोनों आ जाए थोड़े। पहला तुम हम लुक चेक करो दोनों की, फर्क देखो इन्हें की है जोड़ा मेन देखने लगता। एक तो यह ना वो जो दूजा थोड़ा जि नीमा लगता, देखो थानू पता लगता होना थोड़ा जि हाइट का भी फर्क आ, तो यह देखने थोड़ा हैवी है लगता बट दोने सेम ही आ, वेट का ज़्यादा फर्क नहीं। ये शायद ज़्यादा भारी हो गए बट वो थोड़ा जहा देखने लगता क्योंकि वो इंजन च ना देखो आ मतलब ये थोड़ा जहाँ इतने तो स्पेस जी ए लगती खाली खाली जी, बट ये थोड़ा जहा भरिया जहा लगता ये इदा का। तो होर ये डिफरेंस है आ टेंकी का, देखो आ टेंकी का मतलब ये थोड़ी जी ना छोटी हो बट जद कि इन्हों की कपैसिटी दोनों की सेम आ, देखो दोनों की थोड़ी छोटी लगती है। तो एक इन्हें मेन जितों तो पता लगता भी पुठे गेर वाला एक जोड़ा यदा आ लग्या होया ना आ स्टीकर जो साइड में सारा प्रिंट जहा यह सामने तो ऐन दिखता इतने तो जब वह दिखता नहीं वो थोड़ा लैफ्ट जे आ जाता आ दोने इधर न फर्क आ दोनों का। जोड़ा ये इंजन आ ना पुठे गेर वाले CI इंजन आ जोड़ा कंप्रैसर वाला हों तो गेर का इदा हों एक पैंता उपर न बाकी तीन होंने थले तो जोड़ा न्यूट्रल वाला लग्या होया अपना यह इतों तो ही हो जाता जी मेन मतलब ज़्यादातर तां लैने इतों जब उपर एक बार चक दी तो सारे गेयर निकल जाने एक बार च जब वो इदा नहीं है वह वैसे 5 गेयर आने वो अपना एक मूहरे बाकी पिछे न सारे वो इदा है तो बाकी आही डिफरेंस आ दोनों गेयर का। तो ब्रेकिंग की गल करिए ये पहला पिछे ड्रम ब्रेक लगी हुई है तो मूहरे हैगी डिस्क तो ABS भी आ भी दोने टायर ABS नाल काम करते हैं जोड़ा अपना न्यू मॉडल आ 2023 वाला जिन्होंने BS6 भी कह दें तो जोड़ा पुठे वाला है ये दोने ड्रम ब्रेक ही आनी तो यह मतलब थोड़ा रुकता औखा ही है वह थोड़ा वो ज़्यादा वधिया आ चीज़ ब्रेकिंग ज़्यादा वधिया तो उस भजन में भी ज़्यादा वधिया ये थोड़ा टाइम ला दें भजते पूरे हैं 140 तक इदा लग जाने स्पीड वाधूगा बट पिकअप बहुत घट इन जद के पिकअप बहुत है 10 सैकेंड 100 तो लग जाता इन्नी ही ज़्यादा पिकअप। जो अपना 2023 मॉडल आ ना ये थोड़ा मॉडिफाई कराया हुआ मॉडिफाई इन द सेंस भी एकना भी वह बेंड पवाया हुआ ये अपना सलांसर पवाया हुआ क्योंकि वह ता ही आवाज़ का चंगी तरह पता लगना नहीं तो जो पुठे वाला है फिर यदि आवाज़ ज़्यादा हो जानी थी दोनों का चंगी तरह पता नहीं तो लगना स्टॉक वाला हों बट हूँ यह दोनों एक बराबर आ भी मॉडिफाइड आवाज़ होंगी वो पहला उदा तो ये ना RPM स्लो आ पुठे वाले तो वे अपने हाई आ तो यदि आवाज़ ज़्यादा मतलब स्पीड से निकलती तो वो एन स्पेस जी ले कहन वधिया तो हूँ मैं थोड़ा वो चैक कराऊंगा तुम सुनियो एक बार तो यदा ना पुठे गेर वाले का वो किक यदि ज़्यादा औखी मारनी है तो बहुत जन तरीका ही नहीं तो अद्धे जिन्हें बुलट लेना भी हों किक करके नहीं लगा क्योंकि बहुत औखा हो जाता किक मारनी तो ये ना और डीकंप्रैस करना पैंता दब के आह दबण तो बाद फिर उस हों करके आह और सेंटर च लिया के ता किक मारनी पैंती एक मतलब एक किक खाली मारनी पैंती दब के वो मैं थोड़ा दिखा दूंगा भी किदा तो वे इदा नहीं वह तो बस सिर्फ सिंपल अपनी चाबी ला के दब के जिदा वह एक मोटर जी चलती उस तो बाद 5 सैकेंड रुक के ता किक मारनी पैंती है तो उस तो बाद जदे चल पैंता एक बार च बट वो औखा हों थोड़ा जो बैक भी ज़्यादा मार जद कि भी मारता बट वो ज़्यादा उन्होंने तरीका चाहिए कहने का मतलब तो तुम हम आवाज़ चैक करो दोनों की हूँ चैक करो भी कि है ना वो किक मारनी पुठे बुलट आने की पहला ऑन करके उस तो बाद डीकंप्रैस करना पैंता चैक कर लियो सेंटर च चाहिए है जी अपनी यह डीकंप्रैस वाली है सारी सेंटर च चाहिए है तो उस बाद ना खाली किक मारनी पैंती उस सुच दब के तो हूँ खाली किक आ देखो आते हवा निकल गई उस बाद एक किक नाल लगती मार दो जो स्टार्ट हो जाता तो यह आई आवाज़
ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਲੋ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ स्पीड विच किन्नी है ते हुण चेक करियो अपने 2023 मॉडल दी BS6 दी भी दोनों च की डिफरेंस आ ते किन्नी क आवाज़ दा डिफरेंस आ ज़्यादा लाउड लगती दूजे नालों क्योंकि यह BS6 आता माड़ा जहा फर्क आ दूजे का बट इनू ज़्यादातर लोग ता ही लें भी क्योंकि ये ना जी दुग दुग जी आदा वधिया वह भी जिदा कह देना दाने गिणदा वह इहदे च आ इहदे च फील आउंदी ओल्ड इज गोल्ड बहुत जाने कहने बाद चेक करियो हुण BS6 की हौली चेक करो BS6 की है ये आवाज जोड़ा न्यू वाले इन्हों की आवाज़ ज़्यादा लगती है दूजे नालों पुठियां नालों क्योंकि RPM हाई है ना तां करके यार जोड़ा अपना पुठियां वाला बुलेट आ ना स्पेस ज़्यादा होंगी इदा कुछ भी तुम समान रखना आ देखो ये सारा ही खाली हो पे जिदा मर्जी फोन ज कुछ भी तुम रखना चाहते हो रखो जाना तो इधर नवे वाले की गल करिए इदा का कोई वो नहीं है इधरली साइड फिल्टर आ जाता तो दूजी साइड है अपने प्लग पलुग जन्ने लगे हुए इधरली साइड तो मतलब भी समान रखने इधर कुछ भी नहीं है तो कदे भी ना इधरली साइड तुम इतने उपर नहीं कपड़ा रखना तो ये बिच नहीं कपड़ा रखना क्योंकि वो फिल्टर हवा रोक लगा तो बुलेट सही नहीं चलता मैं थोड़ा होर मेन डिफरेंस दसदा यदा जो चैन सैट आ ना जो जी चैन आह पुठियां वाली की इधरली साइड आँदी है लैफ्ट वाली साइड आँदी है जी अपने आह न्यू मॉडल आ BS6 आ जोड़े तो इन्हों की अपनी इधरली साइड आ राइट साइड आ ये देखो ये भी डिफरेंस यदा आह एक होर चेंज देखो इन्होंने दोनों में तो आह देखो आह इतने तो ना थोड़ा जहा टिल्ट जहा होया वा पिछे तो सारी लाइट जी जी बनी हुई है बट इधी इदा नहीं थी इदा सीधी है बिल्कुल थानू इदा पता लगेगा देखो ये दोनों का आ भी डिफरेंस आ जे आप इन्होंने दोनों की एवरेज की गल करिए दोनों की सेम जी हो मतलब 35 to 40 के बिच बिच दई आने जे मतलब आप एक स्पीड से वधिया चलाइए ज मतलब 40 तो थले चलाइए दोनों तो मतलब दई जाने 40 to 35 to 40 के बिच बिच तो जे तुम भजा रहे हैं तो उ बस वो तो घट थोड़ा जहा बट कोई ज़्यादा फर्क नहीं दोनों की एवरेज सेम जी हो बस ये थोड़ी मॉडर्न जी फील आँदी है भी ये थोड़ा मॉडर्न जहा बनया हो बट उस ओल्ड जी फील आँदी है ये फर्क आ बस दोनों यार जोड़े ये पहला आँदे सके देखो वो सी वेंडर ना ये कंपनी से सीधा डायरेक्ट ही आता इदा ही तो जबकि वो अपन पवाना पैंता वह बहुत जाली जुली स्टॉक वाले मैं थोड़ा पहला ने ब्लाउज दिखाया तो वह ज़्यादा आँदा ये सारा कुछ पवाया हो सारी मॉडिफिकेशन कराई हुई है वह इदा नहीं वह तो इदा जिदा पहला आया वो सिंपल उदा ही है सारा जिदा अपना कंपनी जितों आता था जे आप मेंटेनेंस की गल करिए दोनों की मेंटेनेंस का इदा यह जो नवे बुलेट है ये घट करते हैं आ चीज़ में क्योंकि सेंसर सिस्टम सारा तो मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाई हुई है वो जबकि है ना पहला बने हुए हैं वो जिदा ओल्ड सारे ही बने हुए तो ये उन्नी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सेंसर वो ना जो मेन सेंसर काम करते 12 सेंसर ये मेन काम करते हैं तो वो तो है तो उत्ते भी वाधा बट जे 12 वो मेन आदा की गल नहीं हैगी सिर्फ सिंपल जिदा कोई भी मतलब मकैनिक कोई भी जो पहला जिन्होंने काम सीखा वो भी आराम काम कर सकते हैं तो वो नहीं इदा है वह बंदे कंप्यूटर आना चाहिए ज सारा मतलब नाल ला के ना EFI सिस्टम पूरा एन वधिया कोई मतलब ट्रेंड बंदा चाहिए ज्यादा तो थोड़ा ज वैसे एजेंसी से कराओ जो तुम ठीक ठूक भी करा बट ये कोई भी मकैनिक कर सकता इन्हों का इदा तो इन की मेंटेनेंस थोड़ी जी ज़्यादा वो नालों क्योंकि इन्हों के ना इतने सील सूल लीक हो जाती वह चीज़ वो इदा नहीं है तो जी दोनों की रीसेल वैल्यू ज पुठे वाले कह लो अपने न्यू मॉडल कह लो तो दोनों की वह रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट जबकि ना ज़्यादातर लोग प्रैफर पुठे वाले करते हैं क्योंकि भी ज़्यादा वह कहने भी पुठे वाले की आवाज़ आवूज़ ला के जी रैट्रो फील जी आँदी है
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਾ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜਣ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਵਾ ਧਵੂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਕਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੁਲਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਚੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਕ ਅਲੱਗ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ 'ਤੇ ਚੋਕ ਲਾਓ ਦੈਨ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੋਕ ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਕੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋ ਕੱਟ ਆ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ ਪੈਂਦਾ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੇਅਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ BS6 ਨਹੀਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ EFI ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਆਉਂਦੇ BS6 ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਲੇ BS4 ਮਾਰਦੇ ਬਟ BS6 ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫੀਲ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਦਮ ਮੇ ਜਹਾਜ ਰੱਖ ਦੂੰ ਖੁਦ ਕੋ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰੀ ਧੜਕਨ ਸਮਝੋ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੋ ਯੇ